Good morning class, this is our new pathology class in which today we will discuss about the last remaining portion of hemostasis, means blood examination. First of all, hemostasis is a complex mosaic of various interrelated systems which functions hand in hand to maintain the blood in fluid state. भाई देखिए, हमारे ब्लड को हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूड स्टेट में बनाए रखना ही हीमोस्टासिस है, कि उसका कोई क्लॉट ना बने और हमारा सर्कुलेशन इंटरप्ट ना हो. कॉमनली ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट, कोएगुलेशन फैक्टर, कोएगुलेशन सिस्टम के इनहिबिटर्स और फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम पाया जाता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है. अगर इनमें से एक या ऐसा कॉम्पोनेंट का डिसऑर्डर हो जाए तो प्रॉब्लम कॉज कर देगा. और इससे क्या हो जाता है, कॉमन डिफेक्ट क्या है भाई, प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाना, उसका फंक्शन चेंज हो जाना, कोगुलेशन फैक्टर की फंक्शनिंग हो जाना, जिसमें क्या है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं. अब लेबोरेटरी के अंदर अपन टेस्ट कर रहे होते हैं इस हीमोस्टैटिक मशीनरी में, क्या एबनॉर्मेलिटी आ जाती है उसको देखने के लिए, जिसमें अपने क्लिनिकल हिस्ट्री भी डिटेल में देखनी होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने होते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करना होता है. लेबोरेटरी टेस्ट में अपन स्क्रीनिंग टेस्ट और स्पेशल टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कंप्लीट हीमोग्राम देखते हैं ब्लड सेल काउंट के साथ में, जो अपन पढ़ चुके हैं, ब्लड फिल्म का एग्जामिन करते हैं, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करते हैं. स्पेशल टेस्ट के अंदर क्या आता है भाई, ब्लीडिंग टाइम, होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम, क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम, क्लॉट लाइसिस टाइम, एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, डिफरेंशियल टेस्ट फॉर एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टन टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम. तीसरा अपन कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जैसे प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट और क्लॉटिंग फैक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारे टेस्ट करते हैं. अब इनमें से अपने सारे टेस्ट काम के नहीं है, अपन को तो बीटी, सीटी और ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग अब पढ़ना है. सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं बीटी. ब्लीडिंग टाइम क्या है, स्टैंडर्ड पंक्चर अगर आप कैपिलरी बेड में लगाते हो तो ब्लीड होने शुरू होने से लेकर रुकने तक का जो समय होता है वो ब्लीडिंग टाइम लगता है. कैपिलरी बेड में आप स्टैंडर्ड पंक्चर लगाओ, एक बहुत बड़ा, नहीं ऐसा नहीं कि आपने सीधा पट्टी मार दिया बड़ा वाला, वो नहीं, एक स्टैंडर्ड अगर आप पंक्चर करते हो, कैपिलरी पंक्चर करते हो, तो ब्लीड शुरू होने से स्टॉप होने तक के समय को आप ब्लीडिंग टाइम कहते हैं. या आप कह सकते हैं ये वो टाइम है जिसमें प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है, तो इसमें अपन प्लेटलेट और उसकी वेस्कुलर की इंटीग्रिटी को मेज़र करते हैं. क्या करना है ब्लीडिंग टाइम मेज़र करने के लिए, ड्यूक्स मेथड होता है, ईयर लोब पर किया जा सकता है, लैंसेट से आप पंक्चर करिए, पर ये ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड नहीं है क्योंकि इसमें दर्द होने लग जाता है कान के अंदर और हीमाटोमा बन जाता है. इसके अलावा आईवी और टेम्पलेट मेथड ले सकते हैं अपन. इसमें फोर आर्म पर आप जो है वो पंक्चर करते हैं, स्प्रिट यूज़ करते हुए, ब्लड प्रेशर लगाना है टाइट आर्म बांधते हुए, स्पेशल ब्लेड से आप इंसीजन लगा रहे होते हैं और ब्लड आ रहा कब अपीयर हो रहा है वो देखिए, और स्टॉप वॉच से आप टाइम नोट करिए, जैसे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी आप उसको नोट कर लीजिए. नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 2 से 6 मिनट ब्लीडिंग टाइम होता है, 2 से 6 मिनट, याद करिए बीटी 2 से 6 मिनट होता है. अगर बीटी प्रोलॉन्ग्ड आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट कुछ है, इसलिए ऐसा हो गया, या वॉन विलब्रंड फैक्टर डेफिशिएंसी हो सकती है, या पेशेंट ने कोई ड्रग जैसे एस्पिरिन, हिपेरिन वगैरह ली हुई होती है, इसकी वजह से भी बीटी जो है वो बढ़ जाता है. वॉन विलब्रंड फैक्टर जो कि प्लेटलेट को चिपकाने का काम करता है प्लग के दौरान, प्लग बनने के दौरान, और कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, हिपेरिन, ये सब एंटीकोगुलेंट होती हैं. पेशेंट्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन हमें प्लेटलेट डिसऑर्डर की भी करनी होती है, प्लेटलेट काउंट भी करना होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है, उसकी स्ट्रक्चर को देखनी होती है, बोन मैरो को एनालाइज करना होता है थ्रोम्बोपोइसिस के लिए, प्लेटलेट फंक्शन भी अपन को देखना पड़ता है. तो ये तो हो गया आपका बीटी, सिंपल छोटा सा टॉपिक था. दूसरा है सीटी, होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम. इसमें क्या है, आपने फ्रेश ब्लड लिया टेस्ट ट्यूब में, अब वो ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो रहा है वो आपको देखना है. इसमें इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक पाथवे की क्लॉटिंग को आप, उसकी इंटीग्रिटी को आप मेज़र करते हैं. ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट नहीं है, पुअरली रिप्रोड्यूसिबल है. 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ली वाइट मेथड के थ्रू आप करेंगे, 2 सिरिंज मेथड से आप ले लीजिए ब्लड को.
3 ml ब्लड आपको 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, और उसके बाद उसको आप वाटर बाथ में 37 डिग्री टेम्परेचर पर रख दीजिए, और हर 20 सेकेंड में ट्यूब को टिल्ट करके देखिए कि ब्लड जमा या नहीं जमा। क्लॉटिंग टाइम आपको फर्स्ट ट्यूब में देखना है, फिर दूसरी ट्यूब में नोट करना है, और फिर इनका एवरेज लेना है। 2 टेस्ट ट्यूब से आप एवरेज ले लीजिए। नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी? 10 से 20 मिनट। BT आया था आपका 2 से 6 मिनट, और CT आता है आपका 10 से 20 मिनट। अगर क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया है, 10 से 20 मिनट से भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करेगा, या कोई सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट हो सकता है मौजूद हो उसमें, हिपेरिन वगैरह, एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर किसी को हुआ हो तब भी ऐसा हो सकता है। बस इतना बहुत है आपके लिए। BT CT हो गया। तीसरा होता है प्रोथ्रॉम्बिन टाइम, यहाँ इसका डिटेल दे रखा है, क्लॉट लाइसिस टाइम आप देख सकते हो वगैरह, ये खुद से पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, CT सफिशिएंट है आपके लिए। PTT भी दे रखा है 25 से 40 सेकंड, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप सीधा प्रोथ्रॉम्बिन टाइम पर आ जाइए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में अपन एक्सट्रेंसिक और कॉमन पाथवे जो होता है आपके क्लॉटिंग फैक्टर का, उसकी इंटीग्रिटी को मेजर करते हैं। पेशेंट प्लाज्मा और क्लॉट होने में कितना समय लग रहा है कंप्लीट थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐड करने के बाद, ये एक्टिवेट करता है एक्सटेंसिक पाथवे को। PT नॉर्मल आता है 12 से 14 सेकंड। अगर प्रोथ्रॉम्बिन टाइम लंबा आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर 8th, 10th सेकंड या फर्स्ट की डेफिशिएंसी हो गई होगी पर्सन में, या फिर अधिकतर ये फैक्टर जो है विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर से, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, डिफ्यूज लिवर डिसीज़ भी किसी पर्सन को हो सकती है, ऐसा छोटे बच्चों वगैरह में देखने को मिल रहा होता है, या हो सकता है एंटीकोगुलेंट मौजूद हो, या कुछ ड्रग्स जैसे कि क्यूमारिन एंटीकोगुलेंट्स वगैरह की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये प्रोथ्रॉम्बिन टाइम होता है, ठीक है। ख़त्म। अपन ने BT CT और PT तीन चीज़ें पढ़ ली। अब अपन पढ़ लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग और टाइपिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फैक्टर्स हो जो मैंने बोल के बताया ना, विटामिन के वगैरह वाले, वो फैक्टर दिए हैं। अब ब्लड ग्रुपिंग और टाइपिंग टाइम देखिए भाई, ब्लड ग्रुपिंग टाइपिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप ये लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए, ट्रांसफ्यूज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल मॉडर्न मेडिकल केयर के अंदर, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, तो हमें ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लाइफ को सेव करने के लिए भी एसेंशियल है, ब्लीडिंग पेशेंट कोई है तो, और कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उस हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे को ब्लड ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए। अब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आप जानते हैं, रेड सेल के एंटीजन, ग्रुप ऑफ रेड सेल्स जो होते हैं वो कुछ एंटीजन को प्रोड्यूस करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी एलील्स के द्वारा, जो कि सिंगल जीन लोकस पे होते हैं। उसी के बेसिस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ट्रांसफ्यूज़न प्रैक्टिस में इसी की नॉलेज हमारे को होनी ज़रूरी है, और जो एंटीजन हमारे पास इसका होता है उसका रेसिप्रोकल एंटीबॉडी इसमें सिरम में पेशेंट के या उस इंडिविजुअल के सिरम में पाया जाता है। अब ये देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में, ABO ब्लड ग्रुप है। ABO ब्लड ग्रुप के अंदर देखिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ये ग्रुप है, एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द जीन एनकोडेड ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेस एंजाइम, पर्टिकुलरली ऑलिगोसैकेराइड जो सेल वॉल ग्लाइकोसफिंगोलिपिड के साथ में होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा एंजाइम इसके साथ है। ABO ब्लड ग्रुप में मैंने कहा एंटीजन एंटीबॉडी अलग अलग होगी, जो एंटीजन होगा उसका रेसिप्रोकल एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रेड सेल पर एंटीजन होगा ए, जबकि एंटीबॉडी होगी बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन होगा बी पर एंटीबॉडी होगी ए। AB में एंटीजन होगा ए और बी दोनों पर, एंटीबॉडी AB के ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती, इसीलिए AB जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। लास्ट ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता पर दोनों एंटीबॉडीज एंटी ए और एंटी बी पाई जाती हैं। अब ABO ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करना है भाई, किसी इंडिविजुअल का अगर आप ले रहे हैं, सेल ग्रुपिंग कर रहे हैं, फिर आपको सिरम टाइपिंग भी करनी होती है जो इसकी रिवर्स होती है, सेल ग्रुपिंग फॉरवर्ड और सिरम टाइपिंग रिवर्स होती है।
ये दोनों फॉरवर्ड रिवर्स टाइपिंग क्या होती है मैच करना होता है, कंफर्म करना होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सही है या नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एंटीबॉडी रिएजेंट्स चाहिए, रेड सेल रिएजेंट्स चाहिए, सप्लीमेंट्री रिएजेंट्स चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होता है एबीओ का, स्लाइड या टाइल मेथड काम में ले सकते हो, ट्यूब मेथड ले सकते हो, माइक्रो पैलेट मेथड ले सकते हो या ऑटोमेटिक मेथड भी अपन ले सकते हैं। जनरली अपन स्लाइड या टाइल मेथड काम में लेते हैं एमरजेंसी ब्लड ग्रुप अगर आपको डिटरमाइन करना है आउटडोर पे। काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट है, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है कि भाई इसमें ब्लड जल्दी सूख जाता है तो आपको फटाफट इसका टेस्ट करना पड़ता है वरना ब्लड सूख जाएगा रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें स्लाइड या टाइल को आप लेबल करेंगे 1, 2, 3 मार्किंग से, फिर कैपिलरी पंक्चर करके ब्लड की ड्रॉप लेंगे और 3 ब्लड ड्रॉप जो है उसके ऊपर जो 1, 2, 3 अपन ने मार्किंग करी उसके ऊपर आप रखेंगे स्लाइड के ऊपर। एंटी सीरा रिएजेंट अब उसके ऊपर आप डालेंगे तीनों ब्लड के ऊपर, पहले वाले में फर्स्ट में एंटीजन ए, दूसरे में एंटीजन बी और तीसरे में एंटीजन डी, तीनों को अच्छे से मिक्स्ड करेंगे और एग्लूटिनेशन देखेंगे उसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है क्या। एग्लूटिनेशन मतलब क्लंपिंग हो जाएगी, ब्लड फटा सा दिखेगा, तो फर्स्ट में फटा दिख रहा है, सेकंड में फटा दिख रहा है या थर्ड में फटा दिख रहा है या तीनों में दिख रहा है या दो में दिख रहा है या एक में भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक में दिख रहा है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। कैसे देखेंगे, ब्लड ग्रुप ए है तो आपको फर्स्ट और थर्ड का जो ब्लड है वो फटा हुआ दिखाई देगा, एंटी ए एंटीबॉडी होएगा, एंटी बी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए नहीं होगा एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी होएगी, ए बी में एंटीबॉडी भी होएगी, एंटी ए बी एंटीबॉडी होएगी, एंटी बी भी एंटीबॉडी होएगी और ब्लड ग्रुप ओ में दोनों ही एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जा रही होती हैं, उसको ये इंडिकेट करता है। बस ख़त्म। कई बार उसके रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं अगर आपने स्पेसिमेन आइडेंटिफाई सही तरीके से किया नहीं, आपको पता नहीं चला कौन सा ब्लड फटा है कौन सा नहीं फटा, या आप टेक्निक सही काम में नहीं ले रहे हो, या आपका रिएजेंट सही नहीं है, पेशेंट फैक्टर्स जैसे एज, ल्यूकीमिया, प्रेगनेंसी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और दूसरी कंडीशंस भी है जो इस ब्लड ग्रुपिंग पर असर डालती हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन तेज़ी से होता है तो एक ग्लूटिनेशन सही नहीं हो पाएगा, वीक एंटीबॉडीज़ हैं जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी में तब भी ब्लड ग्रुप सही नहीं आता। इसके बाद आरएस टाइपिंग देखिए, ए और बी एंटीजन के बाद में डी एंटीजन आपके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रेड सेल का इम्पॉर्टेंट एंटीजन है, ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस में रोल प्ले करता है। ये एक प्रोटीन है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक टाइप है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, 40 से ज़्यादा अलग एंटीजन इसमें देखने को मिल रहे होते हैं, आरएच एंटीजन सी ई सी ई। ब्लड ग्रुप के से अलग ये क्यों होता है, रेसिप्रोकल एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है नहीं होती है, वो आपको सीरम में देखना है। RH यानी डी एंटीजन पोटेंट इम्यूनोजन है, एंटी डी एंटीबॉडी मोस्ट कॉमन कॉज होती है हीमोलाइटिक डिजीज़ जो बच्चों में हो रही होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें RH नेगेटिव है वो प्रेग्नेंट वुमेन और उसके अंदर अगर फीटस RH पॉजिटिव उसने कैरी किया है तो बच्चों अंदर हीमोलाइटिक डिजीज़ हो जाती है और बच्चा मर जाएगा ऑन द स्पॉट, उसकी डेथ हो जाती है डिलीवरी के बाद। मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज में आरएच ग्रुपिंग जो की जाती है एबीओ ब्लड ग्रुप के साथ में ही अपन करते हैं। ट्यूब मेथड ज़्यादा सेंसिटिव है पर अपन वो स्लाइड मेथड ही कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्यूब मेथड में अपने को सेंट्रीफ्यूज वगैरह करना पड़ता है जो इसमें लिखा हुआ है, बस ठीक है इतना बहुत है। बाकी जो मैंने कहा था 1, 2, 3 ड्रॉप लेंगे तो उसमें थर्ड ड्रॉप जो है वो आरएच के लिए ही, वो मैंने वहाँ साथ में ही बता दी थी। लास्ट कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग आपको करना है। टर्म कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या है कि भाई अपन को इसमें प्रोसीजर करना है कि ब्लड बैंक में जो ब्लड इशू हो रहा होता है पहले देखना पड़ता है कि वो ब्लड जिस पेशेंट को अपन दे रहे हैं उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं है। प्री ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इसको कहते हैं, किसी में ब्लड चढ़ाना है तो ट्रांसफ्यूज करने से पहले ये टेस्टिंग की जाती है। इसमें कंफर्म किया जाता है एबीओ कंपैटिबिलिटी डोनर और रिसिपिएंट की के सेम है या नहीं है, उसमें सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है इसके थ्रू पता चलेगा। इसमें क्रॉस मैचिंग इस कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का एक पार्ट होता है, ये कैरी आउट किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि पेशेंट में कोई एंटीबॉडी नहीं है पेशेंट के सीरम में डोनर सेल के लिए, जो अपन डोनर सेल का ब्लड चढ़ाएंगे उसके लिए कोई एंटीबॉडी पेशेंट के सेल ब्लड में मौजूद नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी होगी तो वो उस नई जो आरबीसी आ रही है नई पेशेंट
डोनर की जो आरबीसी उस पेशेंट को मिल रही है वो उसको लाइस कर देगी, तो ऐसे में मौत हो जाती है रिसिपिएंट की। तो अननोन एंटीबॉडीज़ वगैरह को चेक करने के लिए अपन करते हैं। टू फॉर्म्स है क्रॉस मैचिंग टेस्टिंग की, देखिए मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच में डोनर की रेड सेल रिसिपिएंट सीरम में मिलाएंगे, जबकि माइनर में रिसिपिएंट की रेड सेल डोनर के सीरम में मिलाएंगे। मेजर में डोनर की रेड सेल रिसिपिएंट का सीरम, और माइनर में रिसिपिएंट के रेड सेल और डोनर का सीरम होता है। मेजर क्रॉस मैच मेथड में इमीडिएट स्पिन टेक्निक है, सलाइन रूम टेम्परेचर टेक्निक है, एल्ब्यूमिन एडिशन टेक्निक है, और इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेक्निक होती है। इमीडिएट स्पिन मेथड के अंदर मोर कॉमनली यही मेथड अपन यूज़ करते हैं। इसमें क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, दो ड्रॉप्स उसमें रिसिपिएंट सीरम की लेंगे, और उसमें दो ड्रॉप्स आपको डोनर के रेड सेल की मिलानी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, 5 से 10 मिनट तक इंक्यूबेट करिए, फिर सेंट्रीफ्यूज करिए 1 मिनट तक 1000 RPM पर। ट्यूब को एग्जामिन करिए कि एग्लूटिनेशन या हीमोलाइसिस हो रहा है क्या। अगर हो गया हीमोलाइसिस तो ब्लड अपन नहीं चढ़ा सकते, नहीं हुआ तो वो सेफ ब्लड है, अपन ट्रांसफ्यूजन के काम में ले सकते हैं। रिजल्ट्स में एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में तो क्रॉस मैचेस इनकम्पैटिबल, जो मैंने आपको बताया। कुम्स सिरा इसके थ्रू अपन चेक कर सकते हैं। ये कुम्स रिएक्शन आपने अपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी थी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आपको पढ़ाई गई थी कुम्स रिएक्शन। बस ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो ब्लड ग्रुपिंग टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग है इसको कृपया ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये ना केवल आपके पैथोलॉजी क्लिनिकल पैथोलॉजी में इसका क्वेश्चन आता है, बल्कि यही सेम टॉपिक आपके फार्मा में भी पूछा जाता है। फार्मा मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैंने आपको पैथो में पढ़ा दिया। फार्मा भी मैं ही ले रही हूँ, पैथो मैं ही ले रही हूँ, तो एक टॉपिक एक ही जगह पढ़ाऊँगी, एक टॉपिक को 4-4 जगह तो पढ़ाने से रही मैं। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, फार्मा में भी आएगा तो भी यही लिखना है, पैथो में आए तो भी यही लिखना है। तो बस आपका इस टॉपिक के साथ में जो क्लिनिकल पैथो कंप्लीट हो रही है, जिसके अंदर हमने 8 चैप्टर्स पढ़े थे। ये जो लास्ट ब्लड ग्रुप वाला पढ़ा था, हालांकि सबसे फर्स्ट चैप्टर पर ये सबसे बड़ा चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में पढ़ाया। ब्लड एग्जामिनेशन पढ़ लिया, यूरिन एनालिसिस हो गया, CSF एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, स्पटम एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, सीमेन एनालिसिस और बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन, ये 8 चैप्टर्स हमने पढ़े थे। इसके साथ आपकी क्लिनिकल पैथोलॉजी यहीं पे ख़त्म होती है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।